Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रायसेन जिले की औद्योगिक नगर मंडीदीप में इंसुलेटर कंपनी में एक युवक ने फांसी लगाई। अब आपको बता दें कि युवक देर रात की शिफ्ट में गया था काम पर। सुबह युवक की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। मृतक युवक का नाम रामस्वरूप, उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। मृतक मंडीदीप निवासी बताया गया। आत्महत्या के पहले एक मृतक युवक का द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया, जिसमें दो लोगों के नाम से आत्महत्या। थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। तहलका इंडिया न्यूज़ भोपाल। क्या मामला है? इंसुलेटर फैक्ट्री में एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या की गई है। ये इंसुलेटर कंपनी में एक रामस्वरूप यादव नामक सज्जन है, जो कटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, और जिनकी रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी थी। तो सुबह 6 बजे फैक्ट्री एरिया के अंदर ये फांसी लगाकर इनका शव प्राप्त हुआ है, और सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। शव का पंचनामा करके और शासकीय अस्पताल मंडी पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, और मृतक द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है, जिसमें दो और कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, और ये सब चीज़ें विवेचना में ली गई हैं, और इसकी विवेचना बारीकी से की जाकर और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, प्रथम दृष्टिता में किस प्रकार का मामला दिख रहा है? जैसे आत्महत्या तो ठीक है, जो लोगों का नाम है या पैसे का लेन देन था या किस तरह का, वो प्रताड़ित किया गया, क्या मामला है सर? अब अभी जो प्रथम दृष्टिया तो मृतक द्वारा आत्महत्या फांसी लगाकर की गई है, ये सिद्ध है। इसके अलावा अब वो किन कारण थे, क्या परिस्थितियाँ थी, इन सब बिंदुओं पर पहले जाँच की जाएगी। जाँच के बाद ही इन सब तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। बात की थी, पापा की सेकंड शिफ्ट चलते थे, लेकिन वो क्या है, मम्मी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, इस चक्कर से वो नाइट में गए थे। तो और कई लोग, मतलब दो तीन ऐसे लोग हैं जो उनको टॉर्चर करते रहते थे पापा को, उनका सुसाइड उसने नाम दिया है, लिख के तीन लोगों का। क्या नाम है उनका? उनका विकास जैन है, और क्या है दो तीन है उनके नाम है। कहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं ये लोग जिनका नाम लिखते हैं? वो एक सुपरवाइजर है, जो पापा का सीनियर है, और दो वर्कर उनके साथ में करता है। यानी कंपनी के लोगों के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। हाँ, अभी तक आपको, अभी आपको क्या मदद मिली? लेकर कुछ ऐसे कुछ चल रहा था, बड़ा आया था ना, उस पर टॉर्चर कर रहे थे कि 2 लाख रुपये इनाम है। हाँ, 2 लाख रुपये इनाम है, पटियाली मार दी। अभी तक आपको क्या मदद मिली कंपनी के द्वारा? कुछ नहीं मिला, मुझे 20,000 रुपये की हेल्प की है कंपनी ने अंतिम संस्कार के लिए। उसके बाद जो लिखित में दिए पर्ची दिखाऊँ। आप क्या चाहते हैं कंपनी से? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन हैं उनकी हेल्प हो, क्योंकि वो लोग छोटे हैं, ठीक है, उनको पूरी हेल्प मिलनी चाहिए।